युआन भले ही उठता बैठता हम लोग के साथ था, लेकिन था हम सबसे अलग। हम सब के जैसा इनएक्सपीरियंस था, चार्मिंग भी था, चालू भी। लेकिन अब जाके पता चला कि सब लौंडे कहीं ना कहीं होते हैं। भले ही आज तक किसी लड़की ने हमारे गाल को नहीं छुआ, लेकिन कंटाप भी तो नहीं पड़ा ना। अबे चुप रहो यार तुम लोग, चलो हमारे साथ। हाँ बदला लेने। तुम पागल हो गए हो? हैं? लड़की पे हाथ उठाओगे? हाँ तो बराबरी का जमाना है भैया। पहले लेडीज ने भाई के सर पे कंटाप मारा, अब हम लौटाएंगे नहीं हैं? अच्छा, जब हमने प्रेरणा का गाल छू लिया था तब तुम लोगों ने हमें नीच घोषित कर दिया था, और आज जा रहे लड़की पे हाथ उठाने। युवान यार ये नहीं करो, तुमने उसका दिल तोड़ा है। सॉरी बोलने के बजाय तुम थपड़ा गाए हो इसे। हाँ तो वो भी तोड़ लेना दिल भाई का, तुम्हारे पांच छह लौंडों के साथ में हमारे भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या बोल रहे हो बे? कल रात को तो बड़ा बोल रहे थे हमारी दोस्ती ऐसी हो, हमारी दोस्ती वैसी हो, थैंक यू ये वो। अब क्या हुआ? जब तेरा काम की बात हो रही है, जब तुम्हारी जरूरत है तो निकल ले। हैं? पट गई? हम नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आओगे बे? क्योंकि यहाँ बात ना गलत और सही की नहीं, यहाँ बात दोस्ती की है, और वो तो हमने निभाई है तो निभाएंगे। बस करो यार, डाइट पे हम। ठीक है ना, तुम खाओ। बस खाओ युवान। नहीं मारेंगे। और नहीं मारेंगे यार। मारेंगे नहीं मारेंगे। गाज गाज भाग 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 भागते हैं यहाँ से, भागते हैं। लड़की आराम से मारियो, बात बतानी है, मारनी चोट नहीं। ठीक है मार। गुरुदेव कितनी अच्छी सीख दी आपने। जुआन मेरे भाई ये नहीं कर रहे, बहुत गलत काम है। आपके पापा की बहुत इज्जत है शहर में, इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि लड़कों से गलती हो गई है तो हम मान लेते हैं, और आपके दोस्तों पर केस रजिस्टर नहीं करते, वरना फोन लगाते इज्जत महल और बताते माथुर साहब को कि उनके लल्ला दीवारें और सीमाएं दोनों लांघने लग गए, छपवाते इनकी तस्वीरें अखबारों में। पहले तो कॉलेज के बाहर पुलिस लगानी पड़ती, लेकिन लगता है अब कॉलेज के अंदर भी पुलिस लगानी पड़ेगी। लिमिट क्रॉस कर गए यार तुम लोग, किसका घटिया आइडिया था ये? मेरा, सॉरी। क्या बोले सॉरी? बस सुबह प्रसाद नाग रगड़ो हमारे सामने, तो तुम्हारे चक्कर में हम थाने तक हुआ है, तुमसे लड़की को थप्पड़ भी नहीं मारा गया। पागल हो क्या तुम? लड़की को थप्पड़ मारोगे? अगर तुम इस तरह के लड़के हो ना, आई एम सॉरी, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ओ हेलो मैडम, मतलब तुम लेडीज लोग कुछ भी करो, हम जेंट्स चुपचाप कहते रहे हैं। पहले थप्पड़ उसने मारना भाई को। क्यों मारा लेकिन? बताओ क्यों मारा? हाँ भाग क्या रहे हैं? पूरी बात सुन के तो लगता है कि गलती तो युवान की है। हाँ लेकिन उसे पता नहीं था ना वो इतना सीरियस हो जाएगा। या बट थप्पड़ मारना तो हर हालत में गलत है ना युवान के केस में? हाँ लेकिन शायद कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर ना चाहते हुए भी दोनों में से किसी का हाथ उठ जाए तो। अच्छा मान लो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिससे तुम्हें बहुत हॉट हो, तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? सोच समझ के जवाब देना, गलत जवाब और तुम एलिमिनेट। नहीं कभी नहीं। तो तुम कह रहे थे कि युवान प्रिया से प्यार करता है, पर आर यू श्योर ये ट्रू लव है? अगर किसी को किसी से प्यार हो तो उन पे हाथ उठाना तो दूर, उनसे ऊंची आवाज में बात करना भी मुश्किल होता है। कभी कभार इंसान सही होता है लेकिन प्यार गलत होता है, और कभी कभी इंसान गलत होता है लेकिन उसका प्यार सही होता है, सच्चा होता है। मुझे पता है राजा कि तुम दिल के अच्छे हो,
That's why I like you. आओ गुरु, दिखाएं तुम्हें कुछ। आयो। ये देख रहे हो? महल जैसा दिखता है, मगर है ये घर। तुम्हारी प्रेरणा का, नीचे आ जाओ। बेटा, महल की राजकुमारी से सेटिंग करने जा रहे हो? तो सूट तो पहन के जाना पड़ेगा ना, तभी तो कल को शेरवानी पहनोगे। इतने बड़े घर में हमारी बारात, तो मुमकिन ही नहीं है। अरे नसुड, जब बोलोगे बुरा ही बोलोगे। अबे हरिराम हलवाई ने ऐसा सोचा था ना, ये कोठिया जया नहीं होती। हरिराम हलवाई? ये कौन है? उनका बच्चा MBA करके आया, वो भी विदेश से, और आते ही अपने बाप का पूरा बिजनेस रीब्रांड कर दिया। हरिराम हलवाई की मिष्ठान भंडार बन गई गुड बेकरी, और हरिराम हलवाई बन गए मिस्टर हैरी। ये कहानी हम तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे कि तुम्हें प्रेरणा मिले, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम्हें प्रेरणा चाहिए। और हरिराम हलवाई और मिस्टर हैरी प्रेरणा के बाप हैं, समझे? अब अगर हरिराम हलवाई मिस्टर हैरी बन सकते तो तुम भी तो प्रेरणा के परमानेंट प्रेमी बन सकते हो। प्रेरणा को पटाने के पहले उसके बाप को पटाना होगा। रोमांस की राह पे अगर चलना है तो हमको भी सूट बूट पहन के हुलिया बदलना पड़ेगा। सिर्फ लड़की ही नहीं, उसके बाप को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। ये नया चैलेंज अब हमें पूरा करना पड़ेगा। देखिए पूरी सीरीज Amazon Mini TV ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री।